गलत काम करने की वजह से जेंगसू को मिली सजा, जिसे वो ना चल सकता है ना कुछ कर सकता है, और परिवार भी उसने खो दिया। पर ऐसे खराब हालात में उसे मिलता है योंगकी। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। मूवी का नाम है मैन ऑफ मैन, जो कि 2019 की कोरियन मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है और ये एक कॉमेडी ड्रामा वाली मूवी है। मूवी की लेंथ 1 आवर 57 मिनट है। मेन लीड सोल क्यूंगू ने जेंगसू बनकर और चो जिन वूंग ने योंगकी बनकर किया है। इसकी स्टोरी है, जेंगसू एक लॉयर और हेड होता है के टॉप लॉ फर्म का, पर वो बीमारी से ग्रस्त होता है। अपने चेहरे के सिवाय अपने शरीर से वो कुछ भी नहीं कर सकता था, और ये हालत उसकी एक एक्सीडेंट में हुई, पर जिसमें उसने अपने फैमिली को भी खो दिया था। और यहाँ दूसरी तरफ योंगकी एक गुंडा होता है और अपने बॉस को, अपने से जूनियर को सीईओ बनाने की वजह से गुस्से में आकर मारपीट करने लगता है और जेल चला जाता है। जेल से छूटने के बाद उसे चैरिटी करने को कहा जाता है, जिसमें लाचार लोगों की देखभाल करना था। उसी में योंगकी को जेंगसू है, जो बहुत अमीर था और बहुत उदास था अपने जिंदगी से। जेंगसू पहली बार थोड़ा हंसता है योंगकी के वजह से। योंगकी शेयर मार्केट में अपने पैसे डुबा देता है। जेंगसू अपने इंश्योरेंस के पैसों के बारे में बताता है, जिससे वो अपना कर्जा चुका सकता है, पर बदले में जेंगसू की आखिरी विशेष पूरी करनी। योंगकी जेंगसू को घुमाता फिराता है, मजे कराता है और उसकी विशेष भी पूरी करता है। पर एक टाइम इतनी जरूरत आ जाती है पैसों की, वो जेंगसू को मारने के बारे में भी सोचता है। अब आगे क्या होगा? क्या वो जेंगसू को सच में मार देगा? और ऐसा क्या खराब काम किया था जेंगसू ने, जिससे उसे इतनी बड़ी सजा मिल गई? ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट भी कर देना।